गृह मंत्री अमित शाह के कौशाम्बी दौरे के दौरान सपा विधायक पल्लवी पटेल को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इस मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके भाजपा पर निशाना साधा। प्रशासन को आशंका थी कि कौशाम्बी महोत्सव में सपा विधायक पल्लवी पटेल हंगामा कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता नहीं मिला था। हालांकि पल्लवी पटेल क्षेत्रीय विधायक होने के नाते महोत्सव में शामिल होना चाहती थीं, लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। विधानसभा में महान हस्तियां देश की शिरकत कर रही हूँ, वहाँ पर ये मेरा अधिकार क्षेत्र है कि मैं वहाँ जा करके उनका स्वागत करूँ, और ये कहीं ना कहीं मेरे विशेषाधिकार का हनन भी है। सुबह से ही पुलिस के जवान सिराथू से सपा विधायक पल्लवी पटेल के आवास पर पहुंच गए। ये पल्लवी पटेल का वही आवास है जहां आप यूपी पुलिस के जवानों को तैनात देख सकते हैं। आपको बता दें, कौशाम्बी महोत्सव में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे। सपा विधायक पल्लवी पटेल को हाउस अरेस्ट करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में एक ट्वीट करके भाजपा पर तंज कसा है। अखिलेश यादव के ट्वीट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही देखें। सपने देखें मुंगेरी लाल के, धोखे में बहुत जो जीत गए हैं, आएंगे तो आपकी साइकिल को ऐसी पंचर करेंगे दोबारा चलने लायक नहीं रहेगी। लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहली बार आजमगढ़ पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्धारित समय से लगभग आधा घंटा पहले ही आजमगढ़ पहुंच गए, और हेलीपैड पर उतरने के बाद उनका काफिला हरिहरपुर गांव के लिए रवाना हुआ, जहां जनसभा से पहले ही रिकॉर्ड संख्या में भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। गृह मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ के पूर्व सांसद और सपा अध्यक्ष को जमकर घेरा। समाजवादी पार्टी के मुखिया यहाँ से सांसद थे, कभी भी कोरोना में देखा आपने उनको? आपको टीका लगाने आए थे क्या? अमित शाह ने पुरानी सपा और बसपा को आजमगढ़ की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया, तो मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार को आजमगढ़ के विकास का तोहफा देने की बात कही। आजमगढ़ का नौजवान 2017 के पहले देश के अंदर कहीं चले जाए तो भाइयों बहनों, कोई किराए पर कमरे देने की बात तो दूर, नाम से ही लोग चिढ़ते थे, परहेज करते थे। शाह का आजमगढ़ दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि यहीं से भाजपा ने पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में नामदारपुर में 4,583 करोड़ की 117 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत हरिहरपुर घराने के कलाकारों से मुलाकात की और संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास किया। बेटे अब्दुल्ला और अपनी विधानसभा सदस्यता गंवाने के बावजूद सपा नेता आजम खान के सामने अब रामपुर में सपा दफ्तर को बचाने की एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। दारुल अवाम नाम की इमारत ही रामपुर में समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, लेकिन अब सपा के इस दफ्तर को लेकर भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की है कि लीज की शर्तों का उल्लंघन करते हुए आजम खान ये पार्टी दफ्तर चला रहे हैं, क्योंकि जिस इमारत में सपा दफ्तर चल रहा है उसे आजम खान ने जौहर ट्रस्ट का दफ्तर खोलने के लिए लीज पर लिया था। आजम खान वहाँ अपना पॉलिटिकल ऑफिस चलाते हैं, ये सबको पता है। आजम खान वहाँ जौहर ट्रस्ट के अलावा वहाँ पर अपना प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, ये सभी को पता है। काफी पुराना दफ्तर है क्योंकि समाजवादी का नाम ही आजम का हुआ करता था रामपुर में। उन्होंने जेब में पार्टी रखी, उन्होंने दफ्तर चलाया, उन्हीं का दफ्तर है। बाकी कब्जा हो सकता है, लीज की जमीन हो, लीज की जमीन होगी तो सरकार काम करेगी। सपा नेता और आजम खान के विरोधी भी मानते हैं कि दारुल अवाम ही सपा का दफ्तर है, लेकिन पार्टी नेताओं को भी नहीं मालूम कि जिस जमीन पर पार्टी दफ्तर है वो जमीन है किसकी। तो ये जो दारुल अवाम दफ्तर है समाजवादी पार्टी का, इसके लीज को अब रद्द करने की मांग भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने की है, जिसके बाद से जिला प्रशासन ने इसकी जाँच शुरू कर दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।